हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ क्लास सेवन्थ के वेस्ट वाटर स्टोरी के एमसीक्यू, जो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, आपको एमसीक्यू रीडिंग, आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। आपको रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिलेगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। इन सब में से कौन सी क्वालिटीज होती है वेस्ट वाटर में, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फाउल स्मेल, बैड टेस्ट, डर्टी लुक और ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे क्या है हमारा, आप देखते हो जो वेस्ट वाटर होता है, गंदा वाटर होता है, उसमें से स्मेल भी आती है, उसको हम पी भी नहीं सकते, बैड टेस्ट होता है और वो दिखने में भी कितना गंदा होता है। तो क्या आएगा हमारा राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यू का फोर्थ डी राइट हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, पीरियड 2005 to 2015 इज बींग सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन। तो 2005 से लेके 2015 तक, ठीक है, कौन सा मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो फर्स्ट है वाटर फॉर लाइफ, एजुकेशन फॉर ऑल, ग्लोबल वॉर और टेररिज्म। तो बच्चे सोचो आप किसके लिए किया जा रहा है, वाटर फॉर लाइफ। तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा, राइट ए, ठीक है, वाटर फॉर लाइफ। तो नेक्स्ट हमारा बच्चे थर्ड क्वेश्चन है, ए प्रोसेस ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। तो जो वेस्ट ट्रीटमेंट को हम मतलब ट्रीट करते हैं, ठीक है, उसको क्या मतलब बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे हमारा वाटर ट्रीटमेंट, प्लूटेंट सेपरेशन, और थर्ड इज सीवरेज ट्रीटमेंट, और फोर्थ इज क्लोरिनेशन। तो बच्चे वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट को क्या बोलेंगे हम, सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। आप देखते हो जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, जो घरों से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, कहीं से भी निकलता है, कहाँ पे जाता है, सीवरेज में, ठीक है, तो सीवरेज ट्रीटमेंट बोलेंगे उसको। तो बच्चे नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सैनिटाइजेशन इन दी सिटीज इज दी फंक्शन ऑफ। तो सैनिटाइजेशन मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिटी में मेंटेन करना। फर्स्ट ऑप्शन इज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल पर्सन और सोसाइटीज ऑफ लोकेलिटी। तो किसकी होती है सिटी में मेंटेन करने की बच्चे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की। तो फर्स्ट हमारा इसका क्या आंसर आएगा, ए हमारा राइट आंसर है इसका, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो बच्चे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है, एन एग्जाम्पल ऑफ सोर्स रिडक्शन ऑफ ए वेस्ट इज। तो मतलब सोर्स रिडक्शन ऑफ वेस्ट को क्या बोलते हैं बच्चे, एग्जाम्पल दो आप इसकी कोई भी, ठीक है, बर्निंग, मेकिंग पेपर एरोप्लेन्स, थ्रोइंग थिंग्स दैट आर ओल्ड, बैकवर्ड कंपोजिट। तो क्या होता है कंपोस्टिंग, बैकवर्ड कंपोस्टिंग। तो बच्चे क्या होता है ये इसकी राइट आंसर, बैकवर्ड कंपोस्टिंग, ठीक है, डी हमारा मतलब राइट आंसर है इसका। Which plant is suggested for purification of sewage pond water? कौन सा प्लांट है जो मतलब सीवरेज पॉन्ड वाटर का मतलब क्लीन करने के लिए बोला जाता है, भी ये इसका ये क्लीन कर देता है सीवरेज के वाटर को। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वेस्ट वाटर प्लांट, यूकलिप्टिस प्लांट, यूरेना प्लांट और नन ऑफ दीज। तो बच्चे कौन सा यूज होता है, यूकलिप्टिस प्लांट, ठीक है, स्पैदर बोलते हैं इसको, तो पीपल का प्लांट बोलते हैं उसको पंजाबी में, तो यूकलिप्टस का यूज होता है, ठीक है, ये मतलब प्योरिफिकेशन नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन्थ, जॉइंडस अफेक्ट्स विच ऑर्गन। तो जॉइंडस जो बीमारी है आपको पता है बच्चे, तो डिजीज किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लंग, सेकेंड इज लीवर, थर्ड इज हार्ट, फोर्थ इज किडनी। तो किसको अफेक्ट करती है बच्चे, तो ये मेनली हमारे लीवर को अफेक्ट करती है, ठीक है, जॉइंटस का लीवर की मतलब डाइजेशन खराब हो जाता है हमारा, उसको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनिक वेस्टेज। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनिक वेस्टेज नहीं है। ऑर्गेनिक वेस्टेज बच्चे आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, जो नेचुरली वेस्ट मटीरियल होता है,
तो वेजिटेबल पील्स, वेजिटेबल के छिलके, पेपर, डीडीटी, कॉटन क्लॉथ्स। तो बच्चे कॉटन क्लॉथ भी नेचुरली ऑर्गेनिक है और पेपर भी, वेजिटेबल पील्स भी, तो इनमें से कौन सी है? तो डीडीटी। ठीक है, डीडी ऑर्गेनिक वेस्ट इज नहीं है हमारी। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी स्लज वेस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम। तो जो स्लज वेस्ट होता है हमारा, वो मेनली कहाँ से, मतलब ओरिजिन होता है उसका? फर्स्ट किचन, टॉयलेट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे कहाँ से होता है, सोचो सोचो आप बच्चे, आपके लिए आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। तो वो कहाँ से होता है? किचन से। मेनली हमारा वेस्ट स्लज कहाँ से आता है? किचन से आता है। आप देखते हो कूड़ा वगैरह सारा, आप मतलब सब्जियों के छिलके और भी वेस्ट, ठीक है, किचन से आता है। तो नेक्स्ट बच्चे हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTTP। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने WWTP की फुल फॉर्म बतानी है। वेस्ट वाटर ट्रेवल प्लांट, ट्रेवल प्लांट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर थेरेपी प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रॉपिकल प्लांट। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है, दी नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स पाइप टू कैरी वेस्ट वाटर इज कॉल्ड। तो जो मतलब ये वेस्ट वाटर होता है हमारा, ठीक है, उसके नेटवर्क जिसको कवर करता है, ठीक है, किस नेटवर्क में वेस्ट वाटर ड्रेन होता है, उसको क्या सिस्टम बोलते हैं? सीवर सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज, वेस्ट वाटर सप्लाई। तो सीवर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग वाटर सप्लाई सिस्टम मतलब मेनली वाटर सप्लाई, ड्रेनेज निकालना, वेस्ट वाटर सप्लाई। तो बच्चे क्या बोलते हैं इस पूरे सिस्टम को, मैंने आपको पढ़ाया था ऑप्शन ए, सीवर सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन देखो बच्चे, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर लीड्स टू। तो जो मतलब हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वाटर में, ठीक है, मिक्स हो जाते हैं, तो वो किसको मतलब क्या, किसको लीड करते हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस होती है उसकी वजह से? एल्गल ब्लॉम हो जाता है, माइक्रोरोविल ग्रोथ होते हैं, बहुत सारे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बढ़ जाते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, हाई ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, जब भी आप गंदे सब्सटेंस हार्मफुल वाटर में मिक्स हो जाते हैं, इसका तो सिंपल मीनिंग है, गंदे सब्सटेंस मिक्स हुए, वाटर तो वो पहले से या गंदा किया, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो क्या आंसर आएगा हमारा? सी, राइट ऑप्शन, वाटर पोल्यूशन। तो बच्चे नेक्स्ट हमारा 13 क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, तो सिलेक्ट दोज विच आर ऑर्गेनिक, विच आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। तो आपको इनमें से सिलेक्ट करने हैं कौन से ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर प्लांट्स हैं हमारे, मतलब किसकी वजह से, कौन से सब्सटेंस है हमारे वेस्ट वाटर के, ठीक है, कौन से हैं? पेस्टिसाइड्स की वजह से वे मतलब वेस्ट वाटर होता है, हर्बिसाइड्स की वजह से होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट की वजह से होता है, और ऑल दी अबव। तो बच्चे किन में से होता है? इन तीनों की वजह से होता है, और हमारा क्या आंसर आएगा? ऑल दी अबव। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट। तो जो परसेंटेज ऑफ वाटर होता है जो मोस्टली एक्टिवेट रहता है स्लज में, ठीक है, कौन कितना है? ठीक है, ऑप्शन 1 90%, 92%, 95% और 97%। तो बच्चे ऑप्शन डी हमारा राइट है, 97%। ठीक है, तो बच्चे हमारा 15 क्वेश्चन है आपके लिए, द नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज पाइप। आप मेरे सारे क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है, अपनी नॉलेज चेक करने के लिए, आपकी रिविजन भी हो जाएगी साथ में। द नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज पाइप टू कैरी वेस्ट वाटर इज कॉल्ड। कौन सा नेटवर्क होता है? तो कौन सा होता है बच्चे? सीवर सिस्टम। ठीक है, हमने पढ़ लिया था ये। नेक्स्ट है, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर लीड्स टू। तो क्या है बच्चे किसका? माइक्रोबियल ग्रोथ। ये भी क्वेश्चन मतलब वाटर पोल्यूशन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। तो नेक्स्ट देखो बच्चे 17 क्वेश्चन, पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू ड्रिंकिंग वाटर टू डिसइंफेक्ट इट इज कॉल्ड। तो जो मतलब वाटर को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्लीनिंग का, क्लोरीनेशन का, एरिडेशन का,
स्टरलाइजेशन का, तो किसका यूज किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए, हमने चैप्टर में पढ़ा था क्लोरीनेशन का, ओजोन और क्लोरीनेशन दोनों का यूज किया जाता है वाटर को इन्फेक्शन के, मतलब उसमें से जो हमारे बैड माइक्रोब्स हैं उनको निकालने के लिए बच्चे। तो नेक्स्ट देखो, एडिंग एयर टू ट्रीट अ वाटर इज कॉल्ड, जब भी हम वाटर में एयर ऐड करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, एरिडेशन, ऑक्सीजनेशन। तो क्या बोलते हैं बच्चे उसको, एरिडेशन, ठीक है, उसमें मूवमेंट होती है वाटर को, मतलब घुमाते हैं, ठीक है, उसमें से बैड जो होते हैं उसको निकालते हैं, स्लज वगैरह को, और वाटर को ट्रीट करते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट हमारा 19 क्वेश्चन, सीवरेज रेफर टू वेस्ट वाटर दैट इज लीज्ड बाय, तो सीवरेज वेस्ट कहाँ से, मतलब कहाँ से हो, कैसे होती है, मतलब किस किस चीज़ों से होती है, कहाँ से सीवरेज का वेस्ट वाटर रिलीज होता है, होम से होता है, इंडस्ट्री से होता है, ऑफिस से होता है, तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चे, ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखो, सेलेक्ट दी डिजीज दैट इज नॉट कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, तो इनमें से कौन सी डिजीज है जिसकी जो मतलब हमें जो बाकी सारी डिजीज इन ऑप्शंस में वाटर की वजह से होती है, गंदे पानी की, किसी की वजह से भी हो सकती है, लेकिन एक ऐसी डिजीज है इनमें से जो मतलब वे सीवरेज की वजह से नहीं होती है। तो ऑप्शन है हमारे हार्ट अटैक, जॉइंडिस, कॉलरा, टाइफाइड। तो बच्चे कौन सी डिजीज नहीं होती है, जॉइंडिस भी वाटर की वजह से होती है, कॉलरा भी, टाइफाइड भी, तो बच्चे हार्ट अटैक इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो बच्चे आप मेरे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट में आपके लिए बहुत ही जल्द आपके जो चैप्टर रहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के, तो मैं उनकी वीडियो लेके आऊंगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।